वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमारी अगली मेहमान जो हैं वो गेस्ट पे दोनों खवातीन मौजूद हैं। किसी भी डिले के बगैर मैं आपको लेके चलना चाहती हूँ व्हाट्स इन व्हाट्स आउट की तरफ। खैर, व्हाट्स इन व्हाट्स आउट के अंदर क्योंकि रमज़ान चल रहा है, बेसिकली हमारे पास हम बात करना चाह रहे हैं स्कार्व्स के बारे में कि स्कार्व्स किस तरह स्टाइलिश तरीके से ले सकते हैं, किस तरह वो कंफर्टेबल होते हैं, किस तरह दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर। हमारे साथ हमारे मेहमानों के अंदर मौजूद हैं मीशा अराई और अलीज़ा अराई, ये दोनों ओनर्स हैं हिजाब शॉप क्रिएटिव ट्रेंड्स की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मीशा कौन है और अलीज़ा कौन है? मैं मीशा हूँ। आप अलीज़ा हैं। अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक आप दोनों को। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आइडिया कैसे आया कि आप लोगों ने हिजाब की शॉप खोली है? हम लोगों का एक्चुअली ये यूनिवर्सिटी में मार्केटिंग प्रोजेक्ट था। अच्छा, तो हमने जब इसको स्टार्ट किया तो एज अ प्रोजेक्ट ही स्टार्ट किया था, मार्केटिंग प्रोजेक्ट। इनिशियली हम लोग 5 मेंबर्स थे, फिर हम दोनों ने डिसाइड, मतलब वो जो यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट था वो तो वहाँ पे ख़त्म हो गया, मतलब जब 6 मंथ्स बाद कम्प्लीट हुआ, लेकिन हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम इसको ऐसे कंटिन्यू करेंगे। फिर हमारे पेरेंट्स ने हमें सपोर्ट किया इस रिगार्डिंग, फादर ने बहुत सपोर्ट किया फाइनेंशियली भी मॉरली भी, कि ठीक है अगर तुम लोग चाहते हो तो इसको मज़ीद लेके चलो आगे। तो देन उसको करते 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 अब माशाल्लाह से हम लोगों को 5 ईयर्स हो गए हैं। तो वी स्टार्टेड इन लाइक 2016। हाँ यार, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल हुआ, बिकॉज एट द टाइम जब हमने प्रस्यू करना स्टार्ट किया था उस वक्त ऑनलाइन शॉपिंग वॉज नॉट लाइक इतनी ज़्यादा इन नहीं थी और लोग ट्रस्ट करने में बहुत ज़्यादा इश्यूज करते थे कि पता नहीं हम मंगवाएंगे तो कुछ और चीज़ ना आ जाए या डिफरेंशिएट ना हो जाए। तो बट विद टाइम उस लोगों का ट्रस्ट करते 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 फिर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बिजनेस बहुत अच्छा हो गया। या अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स अमेजिंग। अच्छा नाज़रीन, मैं आप लोगों को ये दोबारा से कॉल करें मुझसे, ये जो मेरे पास ये 2 अदद वाउचर्स हैं न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा की जानिब से जो कि आप अवेल कर सकते हैं पाकिस्तान के 4-5 शहरों के अंदर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर, क्वेटा के अंदर आप जाके अफ्तारी कर सकते हैं। ये मेरे पास हैं। अगर इस सवाल का आप जवाब दें वो है कि रमज़ान के जो 3 अशरे हैं उनके अगर आप कॉल करके मुझे नाम बताएँगे तो मैं आपको ये जो हैं गिफ्ट वाउचर्स दूंगी। उसके अलावा मीशा और अलीज़ा भी हमारे व्यूअर्स के लिए तोहफे लाई हैं। आप कॉल करें और आपको एक खूबसूरत सा स्कार्फ जो है वो हम लोग भिजवाएंगे। तो प्लीज़ कॉल करके आप मीशा से और अलीज़ा से बात भी कर सकते हैं, मुझसे भी बात कर सकते हैं। एंड अब मेरा अगला जो सवाल ये है कि आपके ख्याल में स्कार्फ जो है हमारे मुल्क के अंदर किस चीज़ को सिम्बलाइज करता है? आई थिंक हिजाब जो है वो मॉडेस्टी को सिम्बलाइज करता है। राइट, आपकी सिंप्लिसिटी, प्योरिटी, मॉडेस्टी। और ये नेसेसरी नहीं है कि आप अगर नकाब करते हैं या स्कार्फ लेते हैं तो आप उसको आप स्टाइल नहीं कर सकते या आप उसको मॉडर्नाइज नहीं कर सकते। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितने अच्छे तरीके से कैरी करते हैं, उसको कितने अच्छे से लेके चलते हैं, क्योंकि बीइंग कवर्ड एंड बीइंग मॉडर्न आप दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चल सकते हैं। बिल्कुल, आई कैन टेल बोथ ऑफ यू लुक एक्सट्रीमली फैंटास्टिक, यू बोथ लुक गॉर्जियस, बिल्कुल नज़र आ रहा है कि अपने आप को आप स्टाइलिशली भी ड्रेस अप कर सकते हैं और फुली कवर्ड भी हो सकते हैं। तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि अगर आपने मॉडर्न होना है तो इट्स नेसेसरी कि आप कुछ वेस्टर्न वैसा पहने जिसमें आपकी जो है वो बॉडी एक्सपोज हो या नज़र आए, तो इट्स नॉट नेसेसरी ना। तो आप उसको इस तरीके से भी लेके चल सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैरी किस तरह। हमारा मोटो जनरली यही था बिकॉज व्हेन वी स्टार्टेड तो उस वक्त हिजाब्स में इतने ज़्यादा कलर्स और वैराइटीज़ नहीं आते थे, तो हमारा मेन मकसद यही था कि इतने कलर्स और इतनी वेरिएशन लेके आएँ कि उसकी स्टाइलिंग ईजी हो जाए। राइट, अच्छा मुझे आपसे ये पूछना है कि आप मुझे ये बताएं कि टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिजाब्स होते हैं, बहुत सारे लोग फंस जाते हैं आजकल हिजाब्स के अंदर, एक्सेसरीज भी आती हैं, पिन्स एंड क्लिप्स आते हैं डिफरेंट उसको टू होल्ड इट इन प्लेस, तो आर दे डिफरेंट लेंथ्स होते हैं या डिफरेंट कट्स होते हैं, होता क्या है? बिल्कुल डिफरेंट लेंथ्स होती हैं, बिकॉज फॉर्मल हिजाब्स यूजली होता है कि ज़्यादा लेंथी नहीं होता है, बिकॉज उसमें आपके कपड़े भी इतने हैवी हो रहे होते हैं कि आप हिजाब बहुत ज़्यादा बड़ा कैरी नहीं कर सकते हैं। और कैजुअल वेयर्स के लिए बड़ी लेंथ के हिजाब्स होते हैं, जैसे नकाब्स के लिए, जैसे मैं वेयर की हुई हूँ, सेल्फ एस्कॉर्ट्स की हमारी कैटेगरी, तो इसमें यह है कि इसकी लेंथ बहुत बड़ी होती है, आप इजीली नकाब कर सकते हैं, इजीली ड्रेप्स दे सकते हैं, कैरी अच्छे से कर सकते हैं, खूबसूरत खूबसूरत। एग्जैक्टली, जैसे ये ओम्ब्रे विस्कॉस पहनी हुई है हमारा, ये डबल शेडेड हिजाब है। अब इसमें यह है कि आप इसको फॉर्मली भी वेयर कर सकते हैं और नकाब भी ईजिली हो जाएगा बिकॉज इसकी लेंथ बड़ी है।
तो जिसने ड्रेप्स देनी है, स्टाइलिंग करनी है, वो भी हो सकता है, और जो नकाब, जैसे हमारा सिग्नेचर हिजाब स्टाइल है ये नकाब का, तो आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ हमारे साथ एक कॉलर हैं जवेरिया लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? रमजान मुबारक आपको भी, बहुत बहुत ज्यादा रमजान मुबारक। ये जो आपने आज स्टाल लगाया है, और मैं तो खुद हिजाब बड़े शौक से यूज करती हूँ। अच्छा, ओके, वंडरफुल। सवाल का जवाब भी देना चाहूंगी। बिल्कुल प्लीज। पहला रहमत का, दूसरा मफरत का, और तीसरा जो है दो तकिए का। ठीक है, थैंक यू सो मच जवेरिया आपका कॉल करने का। प्रोग्राम के एंड पे मैं सारे के सारे विनर्स अनाउंस करूंगी। जैसे कि मैंने बोला कि मेरे पास न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा की जानिब से ये बेसिकली दो मील वाउचर्स हैं, और प्लस अब हमारे पास इस ब्यूटीफुल हिजाब शॉप से भी स्कार्व्स हैं, तो आप लोग कॉल करके ज़रूर ये जीत सकते हैं। इसी के साथ मेरा अगला सवाल आप दोनों ख़वातीन से ये है कि क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं स्कार्व्स के? मैंने देखे तिकोने से एक होते हैं, यू नो दे लुक ट्रायंगुलर, नाउ दे आई हैव सीन रेक्टेंगुलर वंस, डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं। बिल्कुल डिफरेंट तरह के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे डिस्प्लेड भी हैं। हम ब्रेक के बाद दिखाएंगे, क्योंकि हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे जितनी डिफरेंट वराइटीज़ ऑफ स्कार्व्स हैं वो हम आपको दिखाएंगे, और फिर आपको एजुकेट करेंगे कि आप कौन कौन से किन किन इवेंट्स के लिए, किस किस मौसम के लिए ले सकते हैं। कहीं ना जाइएगा, स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे मीशा और अलीज़ा अराई, ये दोनों ओनर्स हैं द हिजाब शॉप की। क्रिएटिव ट्रेंड्स, बड़ी अमेजिंग चीज़ें बनाते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले ये हमें बता रही थी कि किस किस डिफरेंट तरीके के हिजाब्स इनके पास अवेलेबल हैं। मैं स्पेशली इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मैं ऑब्वियसली नमाज का टाइम एक ऐसा टाइम होता है कि व्हेन यू जस्ट क्विकली वांट टू यू नो, और वो फिर दुपट्टा स्लिप हो रहा होता है और आप उसके साथ एक लड़ाई कर रहे होते हैं, तो मुझे बताएं कि नमाज के टाइम पे आपके पास कुछ स्पेशल है? बिल्कुल, मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके, ये देखें, ये ना अबरी होती है, इसमें डिफरेंट साइजेस आते हैं। इसके अंदर आपको ना इसको पिन अप करने की ज़रूरत है, और ना ही इसको खोल के ज़रा थोड़ा ऊँचा करके दिखाएं। अच्छा, ये ऐसे गुलाई में कटी हुई जी, और इसके अंदर ये फेस जो है ना आपका फिक्स हो जाते हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जर्सी मटेरियल में है, तो इसमें गर्मी भी नहीं लगती और फिट भी हो जाता है। हाँ। नहीं, किसी स्लिप भी नहीं होता। और इसके अंदर ये जो काला से ये लटक ये इसकी ना इलास्टिक है बैक साइड के लिए, ना एडजस्टमेंट के लिए, कि ये स्लिप नहीं हो। तब का फेस कट डिफरेंट होता है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए इलास्टिक होती है। ओके, और जो है इसमें आपके जो है हाथ भी फुली कवर्ड हो जाते हैं, और फिर नमाज के लिए बहुत अच्छा। अच्छा, अमेजिंग। अब मुझे ये बताएं कि इसकी क्या प्राइस रेंज है? इसकी प्राइस रेंज जो है वो 650-800 साइजेस के अकॉर्डिंगली है। इसमें एक वो जो लेलन में है ये प्रिंटेड ब्राउन, ये भी इसी तरीके का है, मैं आपको दिखा, बट ये बड़ा है लेलन, पर ये कम्प्लीटली कवर्ड है, ये आपके पूरे पाँव तक जो है ना वो कवर हो जाएगा। ये देखें, ओके, ये तो बिल्कुल बाकी में ये बिल्कुल कम्प्लीटली कवर कर देगा आपको, और जो है साइजेस के अकॉर्डिंगली जो है उनकी प्राइसेस हैं, फ्रॉम लाइक जो नॉर्मल मीडियम साइज, इसमें बेबी साइजेस भी आते हैं जो छोटी बच्चियां होती हैं, बच्चियों के लिए जिनको पिन करने में जाहिर है प्रॉब्लम होता है, तो आई थिंक 500 से लेके 1200 1400 तक अकॉर्डिंग टू द साइजेस उनकी प्राइस होता है। अच्छा, अमेजिंग। मुझे ये बताएं कि गर्मियों के अंदर, बिकॉज गर्मियों का एक ऐसा वेदर होता है कि यू नो स्कार्फ के अंदर गर्मी लगती है कुछ लोगों को वगैरह वगैरह, आपके ख्याल में सबसे बेहतर फैब्रिक क्या है जिसको? मेरे ख्याल में गर्मियों के लिए सबसे बेस्ट फैब्रिक जो होता है, जिसको आप इजीली कैरी भी कर लें और मतलब हिजाब में परेशानी भी ना हो, वो विस्कस होता है, और विस्कस में भी दो तीन तरह के क्वालिटीज़ होती हैं। क्रिम्प्स है, क्रिम्प्स ये है कि वो कैजुअल डेली वेयर के लिए आपके लिए बहुत ही ईजी है और ब्रीदेबल है, क्योंकि उसका फैब्रिक इतना सॉफ्ट एंड लाइट होता है कि वो आप ऑफिस वेयर्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज सब में जो है आप उसको ईजिली कैरी कर सकते हैं। एंड लॉन विस्कॉस मटेरियल जो होता है वही बेसिकली होता है कि आप उसको, उसमें अब इस तरह की कैटेगरीज आ गई हैं कि फॉर्मली भी उसको अच्छे से वेयर कर सकते हैं, उसमें स्टाइलिंग, डिज़ाइनिंग हर चीज़ आ गई है,
और मोस्टली ब्राइड्स भी अब यही प्रेफर करती हैं कि हाँ जी विस्कोस और लॉन बेसिकली आपने बोला। अच्छा मैं आपसे एक जल्दी जल्दी क्योंकि मेरे पास टाइम का मुकाबला सख्त है तो मुझे जल्दी से बहुत सारे सवाल आपसे कवर करने। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि बहुत सारे लोगों को कलर्स के बारे में बड़ा परेशानी होती है, वो कहते हैं कि जी हमें हमारे स्किन के साथ कौन से कलर अच्छे लगेंगे वगैरह वगैरह, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है या वेयर एनी थिंग? आई थिंक आपको वही पहनना चाहिए जो आपको अच्छा लगता है। अच्छा मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन अगर समवन फील्स लाइक के उनको ये है कि उनके ऊपर क्या सूट कर रहा है और क्या नहीं कर रहा, तो हम उनको इस तरह के ऑप्शन दे देते हैं कि आप कुछ पीसेज ऑर्डर कर लीजिए और फिर जो आपको सूटेड लगें वो आप रखिए और जो आपको नहीं समझ आए वो आप वापस, ये हमने रखा हुआ। अच्छा दूसरा ये कि प्रिंट वर्सेस सॉलिड हिजाब के अंदर आपको पर्सनली आप लोगों के स्टाइल स्टेटमेंट क्या है कि वेयर डू यू प्रेफर, बिकॉज मैं देख रही हूँ कि आपके पास प्रिंटेड भी हैं, यू गॉट दिस ब्यूटीफुल अजरक लुकिंग प्रिंट्स एंड यू नो अदर प्रिंट्स, बट इसके आप लोगों की पर्सनल प्रेफरेंस क्या है? सॉलिड्स बिकॉज सॉलिड्स जो है ना वो उठ कर आते हैं और वो एक ज़्यादा डिसेंट और मॉडर्न लगते हैं एज कम्पेयर टू प्रिंटेड। वेयरस लेकिन अगर आपने आपके अटायर पे भी डिपेंड करता है, इफ़ यू आर वेयरिंग अ प्लेन अबाया तो उसके साथ आपका प्रिंटेड स्कार्फ भी बहुत अच्छा लगता है, ब्राइट समर कलर्स या फ्लोरल प्रिंट्स हों तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इफ़ यू आर वेयरिंग समथिंग प्रिंटेड देन तो सॉलिड ही अच्छा लाइक वी आर वेयरिंग प्रिंटेड तो हमने सॉलिड प्रेफर किया कि हम सॉलिड लें, बट अगर प्लेन अबायाज हैं या प्लेन ड्रेसेज हैं तो उस पर आप प्रिंटेड भी कलर कॉम्बिनेशन के साथ जाते जाते मुझे अगर ये बताएं तो कि आप लोगों का कहाँ से यू नो योर इंस्पिरेशन फॉर न्यू डिज़ाइंस एंड न्यू थिंग्स प्रिंट्स फ्रॉम स्टेम्स फ्रॉम? एक्चुअली ये हम लोगों का खुद का ही शौक है, अलीज़ा जो है वो खैर बहुत ज़्यादा ही इनटू स्टाइलिंग एंड ऑल, तो हम लोग मतलब उस चीज़ को प्रमोट कैसे करना है वो पार्ट मशा का है और नई वेरिएशंस क्या लेकर आनी है, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं इंटरनेशनली नेशनली, क्या चीज़ें इन हैं, कौन से कलर्स कौन से प्रिंट्स, वो सारा काम मतलब हम दोनों इसको वी रन लाइक इट टुगेदर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, द बेस्ट ऑफ लक विद योर बिजनेस एंड एब्सोल्युटली एंजॉय योर रमजान। बहुत बहुत शुक्रिया आपके ये तोहफे देने का हमारे व्यूअर्स के लिए। मैं आज के विनर्स भी अनाउंस करना चाहती हूँ। आज का मेरा सवाल ये था कि रमज़ान के अशरे के तीन जो जो अशरे होते हैं इनके नाम बताइए, तो पहला अशरा इसका सही जवाब है रहमत, दूसरा मगफरत और तीसरा जो है निजात। आज के हमारे विनर्स हैं जवेरिया और वजीहा लाहौर से। आप लोग इंजॉय कीजिएगा, मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल मिलेंगे एक नए शो के साथ। अल्लाह हाफिज़।